शादी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? थैंक यू वेरी मच। शादी का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। केवल कोविड बीच में आने की वजह से थोड़ी चीज़ें बिगड़ गईं और काफ़ी सारे लोगों को मैं नहीं बुला पाया वहाँ पर, तो वो एक थोड़ा सा मन में मतलब ऐसा हो गया कि यार थोड़ा अधूरापन रह गया। बाकी शादी बहुत अच्छी रही और काफ़ी सारी मुश्किलों के बाद भी जो है नेहा तक पहुँचने का सफ़र कंप्लीट हुआ और हम अच्छे से शादी कर पाए। वो तो अभी फिगर आउट कर रहा हूँ यार अभी कितना चेंजेस आ रहे हैं, मतलब डेफिनेटली ये लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा अभी, और मैं थोड़ा टाइम लेके वो चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि सब कुछ अभी कहना, अभी जस्ट एक महीना ही होगा शादी को, और एक महीने में ऑलमोस्ट जो पिछले 10-15 दिन थे शादी के बाद वाले, वो तो इतने रिचुअल्स और ये सब निभाने में निकल गए तो पता भी नहीं चला। फिर देन अब जाके बीच में थोड़ा टाइम मिला जहाँ पे हम लोग बैठे, थोड़ी बातें की और ये किया। सो मेरे ख्याल से शादी के बाद वाला टाइम एक, बिकॉज अरेंज मैरिज है तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला टाइम होगा, एक दूसरे को समझने का, है ना, एक दूसरे को समझने में टाइम लग रहा है अभी। क्या लगता है तुम्हें? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि अभी तो हम इतना साथ में रहे भी नहीं, क्योंकि फैमिली वाले भी रहते हैं ना, तो घूमने उमने में वो सब कुछ तो उसी वजह से थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ी चीज़ें होंगी, और मेरे ख्याल से बदलाव का पता लगेगा जब एक्चुअली मैं 6-7 महीने निकल चुका हूँ, तो तब मैं आपको बताऊँगा कि कैसा लगा। ये सारे अरेंज मैरिज जिनकी हुई है ना, उनको डेफिनेटली मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि ये होता है, और लव मैरिज वालों के लिए ज़्यादा, मतलब उनके लिए थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता होगा। मेरे लिए बहुत अलग था, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा गई नहीं इनकी तरह, क्योंकि इन्होंने तो मतलब घूमने का इनको बहुत है, तो ये तो हर जगह जाते रहते हैं, मैं नहीं गई, तो मेरे लिए तो बहुत ही अलग था, क्योंकि मुंबई थोड़ा अलग है हमारे जयपुर से, बहुत अलग है, मतलब समंदर वगैरह अच्छे है, तो ये चीज़। सो ये जो शादी हुई हमारी, एक प्रिय भाभी जी हैं जो बहुत सालों से मेरी फेवरेट रही हैं, और ये तो था ही कि राहुल भैया एक बड़े एलिजिबल बैचलर हैं और उनके लिए एक लड़की चाहिए जो वैसी हो, जो मतलब घर बार को भी अच्छे से संभाल सके और उनके फील्ड को समझ के और उनके साथ में आगे बढ़ सके, चीज़ें कर सके उस तरह से कि उनको समझ सके। बिकॉज़ मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में भी ऑलमोस्ट फैमिली में सबको पता है चीज़ें और जिस तरह की चीज़ें रही हैं, तो उसको देखते हुए उन्होंने एक शादी में कहीं इनको देखा था, और देखने के बाद में उन्होंने इनके बारे में पूछताछ की, डिटेल्स निकलवाई जैसा कि टिपिकल अरेंज मैरिज में होता है, और निकलवा के उनके बारे में पूछा गया, जब पता चला कि बिल्कुल एकदम सब चीज़ें सही हैं और जिस तरह की लड़की हम ढूंढ रहे हैं वैसी ही ये लड़की हैं, तो उसके बाद में जाके फिर इन्होंने बातचीत शुरू की और इनकी और मेरी फिर बातचीत शुरू हुई और मुलाकात भी हुई, और उसके जस्ट बाद मुझे कोविड हो गया और उस टाइम में हमारी काफ़ी बातचीत हुई, और 3-4 महीने की बातचीत के बाद में ऑलमोस्ट डिसाइड किया कि कर लिया था ना डिसाइड, तब कि पहले किया कि बाद में? नहीं नहीं, बहुत बाद में किया था। कितना टाइम लगा था? 3-4 महीने तो हमने बात की थी। 3-4 महीने में तो हमारा ऐसा था कि अरेंज मैरिज में घर वालों को भी ज़्यादा, केवल जो इमीडिएट फैमिली थी उनको पता था, उसके अलावा बाकी लोगों को पता नहीं था कि जो है हम लोग बात कर रहे हैं इसका, क्योंकि हम लोगों को बहुत क्लियर था कि अगर चीज़ें आगे वर्कआउट नहीं होती हैं और आपको नहीं समझ में आती चीज़ें, तो आप भी क्विट कर सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ, उसमें कोई वो नहीं रखेंगे कि अरे नहीं अब बात कर ली है, चीज़ें हो गई हैं, जैसा कि होता है कि यार अब तो करना ही पड़ेगा, तो वो वैसा कोई मजबूरी वाला नहीं था कि ताकि किसी को पता ना रहे और अननेसेसरी फालतू की बातें ना हो। तो ये रही जो है मिलने और वहाँ तक की जर्नी, कैसे हाँ हुआ, कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी, मतलब आप ही बोल रहे थे, मैं तो चुप ही थी एज यूजुअल, जैसा कि होता है कि मैं ही बात कर रहा था, ये चुप रहती हैं, इनको बहुत कम ऐसे टाइम रहता है जब ये बोलती हैं, तो मैं इनको अपने फील्ड के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में समझा रहा था और बता रहा था कि ऐसा ऐसा है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ हम लोग नहीं आगे बढ़ते,
और पहली मुलाकात में ही आपको सब मैं बता देता हूँ कि इस तरह से चीज़ें हैं कि आपको इंडस्ट्री से शायद फैमिलियर ना होगी, और आने वाले समय में अगर आप हम लोग साथ में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें झेलने को भी पड़ सकती हैं, और मतलब आप कंफर्टेबल हैं तो ही अपन आगे जाते हैं। तो उसी तरह की कुछ बातें हुई हमारे बीच में, और उन बातों को बस ये सुन रही थी, ये मुझे ऐसे देख रही थी कि आप कब मुझे यहाँ से जाने देंगे, ऐसे कुछ था ना। मैं ये देख रही थी कितना बोलते हैं कितना बोलते हैं, वो कोल्ड कॉफ़ी उस दिन ख़त्म नहीं हो रही थी ना, ऐसा कुछ था। एक कोल्ड कॉफ़ी इन्होंने मंगवाई, वो इनके लिए ऐसा लगा कि ये कोल्ड कॉफ़ी मतलब अब कब ख़त्म हो ये, और कब मैं यहाँ से उठ के जाऊँ, और ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, इनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। हाँ मतलब मैं सोची थी फटाफट ये कोल्ड कॉफ़ी ख़त्म हो मैं निकलूँ यहाँ से, और वो मतलब ये सामने थे, मैं सोची यहाँ ध्यान दूँ यहाँ ध्यान दूँ। इनका मैक्सिमम ध्यान कोल्ड कॉफ़ी पे ही था, वैसे मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं था, विच वॉज स्ट्रेंज बट ठीक है। इनको मनाने के लिए मेहनत नहीं लगी, इनको अपने घर वालों को कन्विंस करने के लिए मेहनत लगी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लव मैरिज में हो तो ही आपको अपने घर वालों को कन्विंस करना पड़ता है। एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कहानी का कि इनको भी बहुत कन्विंस करना पड़ा घर वालों को कि नहीं मेरी बात हुई है, मैंने 3-4 महीने उनसे बात की है, मैं जानती हूँ और मुझे सब कुछ सही लगता है, ऐसा ही कुछ बात हुई थी। क्या क्या बोला था आपने कि मुझे सब कुछ सही लगता है? हाँ मतलब मेरे को ठीक लगता है, मतलब ठीक लगता है, भरोसा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हाँ तो ये ऐसे करते हुए आगे बढ़ी थी, और सबसे अच्छा पॉइंट ये रहा कि जिस तरह से इन्होंने फैमिली से बात की और जिस तरह से इन्होंने सबको कन्विंस किया और एंड तक ये खड़ी रही अपने डिसीजन पे, तो वो बात बड़ी इम्प्रेसिव थी इनके बारे में। वरना जनरली लोगों को जहाँ मुश्किलें आती दिखती हैं वो भाग जाते हैं पहले ही, जैसा कि पहले वालों ने किया था। कौन सा ऐसा मोमेंट था जब तुम्हें लगा कि हाँ मतलब यस ही इज़ राइट, ही इज़ द राइट? एक बार हम रात को बात कर रहे थे, तो मतलब हम बातें कर रहे थे, मैंने बोला आप भी कुछ पूछो है ना, मतलब आपको और क्या जानना है। तो इन्होंने बोला कि मुझे जानना नहीं है, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ, मतलब मेरे को समझना है कि ऐसे नहीं ऊपर से जान लिया, मैं एक्चुअल में अंदर से समझना चाहता हूँ। तो मेरे को लगा यार सही, सब ऐसे बोलते कि हाँ ठीक है। तो इन्होंने बोला समझना चाहता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे, और बात करते करते मैं कंफर्टेबल हो ही गई थी। तो ठीक है यार, देखो जिस तरह का मैं इंसान हूँ, मैं थोड़ा डेफिनेटली बातें ज़्यादा करता हूँ, मुझे एक्सप्रेसिव नेचर है मेरा कि मैं बहुत एक्सप्रेस करता हूँ खुद को। तो एक गुड लिसनर मुझे चाहिए, एक ऐसा इंसान जो समझने की कोशिश करे, मुझे सुने और मैं क्या और किन चीज़ों पे फोकस करना चाहता हूँ और साथ में मिल के किस तरह से आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं कभी भी प्रॉब्लम्स की बात नहीं करता, मैं सॉल्यूशंस की बात करता हूँ। तो हम जब भी बात करते थे, जब भी इनसे चीज़ें जिस तरह से डिस्कस हुई, तो उन सब चीज़ों में ये मुझे अच्छे से सुनती थी, अच्छे से डिस्कशंस होते थे। तब जब कुछ ओपिनियन नहीं भी हो तो भी अपना साइलेंटली कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट देना था कि हाँ चलो मतलब ये पॉइंट अच्छा है और इस जगह पे आप ठीक हो आप गलत हो, तो वो वाला एक पॉइंट होता था। और जो सबसे बढ़िया बात और जिस वजह से मैंने ये सोचा कि आज तक जीवन में मैं लोगों के लिए लड़ा हूँ और मैं लोगों के लिए खड़ा रहा हूँ जब भी उनको ज़रूरत रही, पर मेरे लिए जनरली मेरे फैमिली के अलावा कोई नहीं था, जहाँ जिन पे मैंने ट्रस्ट किया वो सब लोग डिफ़िकल्ट टाइम्स रहे, चीज़ें रहीं, तब छोड़ के चले गए और कभी भी साथ में कोई खड़ा नहीं रहा या कोई लड़ा नहीं मेरे लिए, जिस तरह से मैं हमेशा मतलब लोगों के लिए लड़ जाऊँगा कर जाऊँगा वैसा कोई नहीं था। बट एक बार जब इन्होंने डिसाइड किया मुझसे शादी करने के बारे में, और जिस तरह से ये कंटिन्यूस अपने एफर्ट्स पे थी, क्योंकि जब आप एक एक्टर होते हो तो आप पे 4 उंगलियां यहाँ कोई नहीं उठाएगा, लेकिन आप जब एक डीप कोर राजस्थान या किसी भी ऐसी जगह पे जाएंगे नॉर्थ में, तो आपके ऊपर 50 क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ओपन है और इतना ईजी नहीं होता एक एक्टर के लिए एक नॉर्मल लड़की से शादी कर लेना एक अरेंज मैरिज की तरह। सो
वो डिफ़िकल्ट पार्ट था जो इनको बड़ा कन्विंस किया गया कि नहीं एक्टर से शादी नहीं करनी है, आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी और जिस तरह से ये लाइफ है तुम हैंडल नहीं कर पाओगी, उनके साथ तो पता नहीं उन्होंने क्या किया हो, बॉम्बे में कौन जानता है क्या करते हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें इनको कन्विंस करने की कोशिश की गई, बट ये खड़ी रही, इन्होंने लड़ाई की और अंत तक ये बहुत अच्छे से लड़ी। और उसी वजह से मुझे एक अच्छा लगा कि कोई तो है जो मतलब मेरे लिए लड़ रहा है, बजाय मुझे किसी के लिए खड़ा होना पड़ रहा है या लड़ना पड़ रहा है। तो पहली बार कोई मेरे लिए लड़ा तो डेफिनेटली उसके बाद मुझे लग गया कि हाँ चलो ये मेरे लिए, जब मुझे लगेगा कमज़ोर पड़ूंगा, क्योंकि मैं जनरली ऐसा होता नहीं है किसी भी पॉइंट पे कि मैं कमज़ोर पड़ूँ, बट कभी अगर मेरा ऐसा मोमेंट आया तो मेरे साथ खड़े रहने वाला कोई रहेगा, एक मेरा पार्टनर जो मुझे सपोर्ट करेगा। यही इतना बेसिक ही चाहिए होता है जीवन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। बात मैंने की थी तो मैंने ये बोला कि एक बार आप मिलो, बात करो, अगर फिर अगर आपको लगता है तो फिर आप ठीक है, फिर देखते हैं अपन। तो वही है, इनसे मिलके सगाई में उसके बाद सबका ऐसा हो गया था कि हाँ, उसके बाद सबका फिर सब मान गए। ये भी बता दो सगाई के लिए किसने फोर्स किया था कि वहाँ पे सब लोग आए? और तो सगाई भी बड़ी एपिक हुई थी, रात को 12 बजे तक हम लोग बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी मतलब क्या होने वाला है। जनरली ऐसा होता है ना कि जो है लड़की वाले वेट करते हैं कि लड़के वाले जो है कब जवाब देंगे, क्या देंगे। तो यहाँ हम 12 बजे तक वेट कर रहे थे कि कब इनका जो है कुछ चीज़ें होंगी, कन्फर्मेशन होगा तो फिर हम आगे का वो करें, क्योंकि मुहूर्त अगले दिन का ही था सगाई का, फिर उसके बाद में हो नहीं पाती। तो वो चीज़ करते करते टाइम गया और फिर पापा और मैंने पापा को बोल दिया, मैं बोला उन सबको यहाँ बुलाइए आप, सगाई हम लोग घर पे ही करेंगे, क्योंकि मुझे उन सबको एक तो मिलवाना है परिवार से और दूसरा उन सबको मुझे भी देखना चाहिए, मुझसे भी मिलना चाहिए, ताकि उनको कॉन्फिडेंस रहे कि उनकी बेटी जहाँ जा रही है वो गलत घर नहीं है। क्योंकि घर के बारे में सब जानते थे कि परिवार अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन लड़के का क्या, लड़के से मतलब हमको दिक्कत है कि वो लड़का वहाँ पे काम करता है। तो ऐसा नहीं होता कि लव मैरिज में मुश्किलें आती हैं, यहाँ भी आती हैं और उनको भी आपको जो है सेटल करना होता है। तो वैसे ही मैंने सेटल किया जब अगले दिन सब लोग आए, तो उसके बाद घर जाके क्या बोला सबने? अच्छा है, अच्छा है, लड़का बहुत जोड़ी अच्छी है, जोड़ी अच्छी। अच्छा, अब लोग की शादी में बड़े ही ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हो, आप का अरेंज मैरिज है, लेकिन ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको एक दूसरे के बारे में बहुत पसंद है? वेरी नाइस, आपको तो पता है मेरी क्या क्वालिटी पसंद है आपको। सबसे पहली तो मतलब ये भी बता सकते हैं ये बहुत हैंडसम है जो मैं बहुत कम बोलती हूँ इनको, क्योंकि मेरी आज तक मुझे ऐसे नहीं बोला, कैमरा है तो कैमरे के सामने बोल दिया, वाह गुड, लाइक पूरी दुनिया देखेगी। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए तो मैंने हाँ बोला। और ये बहुत मैच्योर भी हैं तो क्योंकि मैं इतनी नहीं हूँ तो इसलिए ये बेस्ट है। और उनके बात करने का तरीका, ये कैसे बहुत अच्छे से कंफर्ट कर देते हैं, सामने वाले को कंफर्टेबल करवा देते हैं, जैसे मैं हो गई तो मतलब फिर तो क्योंकि मैं होती नहीं हूँ जल्दी से, इसलिए इनको कंफर्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है इनको। मुझे अभी भी याद है पहली डेट पर गए तो एक डेढ़ घंटा तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब ये किस बात को लेकर एकदम चुपचाप बैठी है, और उस टाइम पर बिहेवियर समझने में थोड़ा टाइम लगा, बट एक डेढ़ घंटे के बाद में, एक घंटे पहले जिस नेहा से मिला वो अलग थी और एक घंटे बाद जिस नेहा से मिल रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। वो फिर इन्होंने मुझे बताया कि मुझे थोड़ा कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है और मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। फिर उसके बाद में मुझे इनका हाथ पकड़ने के लिए थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी, और अगली बार में मुझे एक घंटे बाद देख रहा हूँ कि ये मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जा रही है। उतना डिफरेंस था। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि मैं अभी हनीमून नहीं, इसको मैंने प्री हनीमून का नाम दिया, प्री हनीमून इसलिए क्योंकि जो है आप जाते हो, उनका टेस्ट मेरा टेस्ट, उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं उसमें, और फिर आप उसके हिसाब से डिसाइड करते हो कि जब आप बाहर जा रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मेरा हमेशा से जो भी हनीमून का मेरा डेस्टिनेशन है वो यूरोप था, यूरोप मुझे बहुत पसंद है और
मुझे एटलीस्ट वहाँ पे कम से कम 8-10 कंट्रीज घूमना था और वो सारी चीज़ें हैं, बट बिकॉज ऑफ द पैंडमिक अभी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, और इसीलिए मैंने इसको प्री हनीमून का नाम दिया। कैसा रहा आपका प्री हनीमून? अच्छा था, मज़ेदार था।